फ्रिंज विड्थ में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मुझे। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि नया नया कर रहे हो तो आप इतना दिमाग नहीं लगा पाओगे। होते जब घर जाओगे आप याद करोगे टेस्ट के लिए, या तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्वेश्चन पूछना था। क्या क्वेश्चन पूछना था बताता हूँ। हमने फ्रिंज विड्थ निकाल ली। फ्रिंज विड्थ कैसे निकली? एनथ, जैसे डार्क फ्रिंज विड्थ निकाल ली हमने, एनथ ब्राइट लिया, उसमें से एन माइनस वनथ ब्राइट के डिस्टेंस को माइनस करके डार्क निकाल दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में फ्रिंजेस होती कैसे हैं? हो सकता है घर जाके आप सोचें, स्क्रीन के ऊपर तो फ्रिंजेस ऐसे बनेंगी ना, ये डार्क है फिर इतनी ही ब्राइट है, फिर डार्क है इतनी ही ब्राइट है, और ये मान लो सेंटर पॉइंट है। तो जब मैंने बोला कि एनथ ब्राइट फ्रिंज है या एनथ डार्क फ्रिंज है, तो डिस्टेंस कहाँ से लिया? यहाँ से, यहाँ से, क्योंकि ये तो पूरी ब्राइट ही ब्राइट है, तो मैंने दूरी कहाँ से ली? है ना, सोचने वाली बात है ना, क्योंकि तो पूरी विड्थ है, जबकि मैंने तो डिस्टेंस एक पॉइंट का लिया है ना, एक पॉइंट तक के डिस्टेंस की वैल्यू एन लैम्डा डी बाई डी है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? तो मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। हम ऐसा करते हैं, ये वाई डी एस सी है, वाई डी एस सी में ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट की इंटेंसिटी है लाइट की इंटेंसिटी, सेंटर पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, चेक कर रहे हो, ये देखो इंटेंसिटी ग्राफ बनाया है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है। फिर अगले मैक्सिमा के बाद क्या आएगा? डार्कनेस, तो देख रहे हो इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो कर दी। फिर अगले में क्या आएगा? ब्राइटनेस, तो देखो इंटेंसिटी देख रहे हो ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो एक्चुअल में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस का पॉइंट ये मिड पॉइंट है, इसके बाद ब्राइटनेस तो है पर उतनी नहीं है। ऐसा नहीं होता फ्रिज में पूरी की पूरी ब्राइट है एक जैसे, ऐसी इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी सबसे सेंटर पे हाई होती है, फिर लो 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 करती हुई जीरो, लो लो करती हुई जीरो, ऐसे होती है। यूनिफॉर्म ब्राइटनेस नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म ब्राइटनेस है। हम जो न्यूमेरिकल करते हैं वो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे नहीं करते, हम न्यूमेरिकल यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ भी करते हैं, यहाँ करते हैं, ऐसे करते हैं। डार्कनेस यानी कि ये पॉइंट लेते हैं डार्कनेस का, ब्राइटनेस का ये पॉइंट लेते हैं ब्राइटनेस का। तो अगर मैं दो ब्राइटनेस के डिस्टेंस को माइनस करूं, ये सेंटर पॉइंट है, तो इस डिस्टेंस में से अगर मैं इस डिस्टेंस को माइनस करूं, ये ब्राइटनेस का पॉइंट है और अगला भी ब्राइटनेस का पॉइंट है, तो मेरे पास क्या आएगा? डार्कनेस। तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस ये आया है, देख रहे हो ये डार्कनेस ही डार्कनेस है। तो ये एवरेज डिस्टेंस है बेसिकली, मतलब पूरा डार्कनेस नहीं होता, थोड़ी सी इसमें ब्राइटनेस भी होती है, पर हम इतना इंटीग्रेशन यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो हमने एवरेज डिस्टेंस ले लिया, थोड़ी बहुत उसमें ब्राइटनेस आती है, आने दो कोई बात नहीं। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आपको उस माइंड में क्वेश्चन आया कि ये डिस्टेंस लिया कौन सा है, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लिया हमने।